यद किन्हीं दो नंबर का, यद किन्हीं दो नंबर का योग या सम 46 है, 46 है और उनका डिफरेंस या अंतर 14 है, 14, हाँ 14 है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा? किन्हीं भी दो नंबर का सम जो है, मान लो नंबर है तुम्हारा x और क्या है y, तो इनका सम कितना बोल रहा है? सम मतलब x प्लस y कितना है? 46 है ना, तो मतलब पहला इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 46, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 14। तो क्या पूछ रहा है कि बड़ा नंबर कौन सा, अपने को भी नहीं पता कौन सा है लार्जेस्ट और कौन सा कम, तो कितना हो जाएगा ये, ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, ये तो 2x हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस x कितना होगा 2x, और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया 30। अब देख लो आप, ये लार्जेस्ट नंबर क्यों होगा बेटा, क्योंकि यदि आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो 30 प्लस y इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 16, इसलिए ये लार्जेस्ट नंबर होगा और ये स्मॉलेस्ट नंबर, क्लियर है। तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, x, और x की संख्या कितनी होगी 30, ठीक है। 46 इज सम ऑफ टू नंबर, 46 इज सम ऑफ टू नंबर्स एंड 14 इज देयर डिफरेंस, 14 इज देयर डिफरेंस, फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। एक और लिखो, यदि दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर 137 है, 137, और बड़ी संख्या 680 है, बड़ी संख्या या ग्रेटर नंबर कितना दिया हुआ है 680, देन फाइंड स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या बताना है। क्या बोल रहा है, दो नंबर मतलब कि एक नंबर एक्स ले लो, एक नंबर क्या ले लो वाई ले लो, दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है ना 137, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो कि लार्जेस्ट नंबर क्या है 680, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें मतलब ये लार्जेस्ट नंबर होगा, तो 680 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 137। तो ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज क्या 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 करते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो वाई को इधर ले जाओ और उसको इधर लाओ, तो ये -137 होगा इक्वल टू वाई, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस, इसको इधर लाओगे तो माइनस, ठीक है। तो 680 ये वाला माइनस हो गया और उधर गया तो प्लस, तो कितना आ गया 543 इक्वल टू। अब लिखो, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग उन संख्याओं के अंतर का दो गुना है, द सम ऑफ टू नंबर इज टू टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, द सम ऑफ टू नंबर इज टू टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, इफ द स्मॉलर नंबर इज 10, यदि छोटी संख्या 10 है, देन व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या क्या होगी। चलो मैं एक एक नंबर ले लेता हूँ एक्स और एक ले लेता हूँ वाई, है ना, फिर क्या बोल रहा है, किन्हीं भी दो संख्याओं का सम, ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, टू टाइम्स है उनके डिफरेंस का, यही है ना। अब यहाँ पे एक नंबर दिया है, क्या दिया है, ग्रेट छोटा नंबर दिया है ना, स्मॉलर नंबर दिया है, स्मॉलर नंबर कितना है, वाई की वैल्यू कितनी दी है 10, तो पुट कर दो यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू टू टाइम x माइनस 10, हो गया बेटा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 20,
ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो ऐसा मत, हाँ माइनस आएगा, तो बहुत सही, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो 30 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या होता है फार्मूला, एक बार लिख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा क्या होंगे बेटा, प्लस ही होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा बेटा। तो ये तीनों फार्मूले आप लिख लो, चलो एक और लिखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 165, किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्ग का योग, ठीक है, कितना है, 165 है, 165। यदि उन संख्याओं का सम या योग 23 है, तो उन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब अगर दो संख्या आप लेते हो x और y, तो आपको पूछ रहा है x इंटू वाई क्या होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 165, फाइंड देयर प्रोडक्ट इफ देयर सम इज, इफ देयर सम इज 23। क्या बोला है, किन्हीं भी दो संख्या, तो अपन नंबर लेना है, एक ले लो x और दूसरी ले लो y, यहाँ तक किसी कोई डाउट, मतलब आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 165, हाँ। फिर यदि इनके संख्याओं का योग ना, योग मतलब x प्लस वाई कितना है 23 है, तो क्या फाइंड करना है अपने को, x इंटू वाई फाइंड करना है, बस ये करना है ना। देखो जो था मैंने आपको क्वेश्चन में पूरा कर दिया, लेकिन मैंने मैथमेटिकल कर दिया, अब मैं इसको देखो पढ़ भी रहा हूँ, किन्हीं भी दो नंबर के वर्गों का योग 165, क्लियर, और उन उन संख्याओं का योग कितना है 23 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, यही है ना। तो आप इसको देख के भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ए मतलब एक्स, बी मतलब वाई, समझ रहे हो, आपको क्या ये वैल्यू दी है, तो मैंने, मुझे पता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है। yes, अब मुझे आप बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, है ना 23 स्क्वायर हो जाएगा। yes, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 165 और प्लस टू एक्स वाई, अपने को तो ये चाहिए ना। yes, बोलो। yes, तो जब ये चाहिए बेटा, सिर्फ अपने को इससे मतलब है, इसको आप नहीं सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला तो कभी निगेटिव होता नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कभी होता है क्या, नहीं होता, फिर इसके लिए तो एक अलग फार्मूला हो जाता है, ये वाला हो जाता, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नहीं समझना अपने को, बस जो है आपका 23 का स्क्वायर क्या होगा 529 ना, तो बहुत ईजी है, बस 529 कर दो इसको, माइनस 165 इज इक्वल टू 2x वाई, तो कितना जाएगा इसको सॉल्व करने से 360, तो 2x y इक्वल टू कितना आ गया 364, तो x y इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड करोगे 364 डिवाइड टू, टू से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 182, तो ये आंसर आ गया। चलो एक और करो फिर, किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट 93 है, किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट 93 है, और उनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर है ना, ये तो समझ जाते हो,
उनका डिफरेंस कितना बेटा 29 है, 29 है। आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, वन अपॉन एक्स है और तो उसको अपन इनवर्स क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल को, उल्टा है? हाँ, व्युत्क्रम, राइट, व्युत्क्रम बोलेंगे। तो रेसिप्रोकल समझते हो ना, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्स है तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, समझ में आ रहा? तो लिखो, तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा, तो उन संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। किन्हीं भी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 93, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिया है 29, ठीक है। तो क्या पता करना है बेटा अपने को, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आप x लेते हो तो पूछ रहा है 1/x और 1/y का डिफरेंस क्या होगा। हाँ, दो नंबर्स क्या क्या है आपका, x और y है ना, तो टू नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, x इंटू y कितना दिया है। यहाँ तक बताओ किसको डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अभी देखो बाद में करना अपने से, है ना, अभी पहले यहाँ समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो। आपको पहला दिया हुआ है किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 93, फिर क्या दिया हुआ है दूसरा, डिफरेंस दिया है तो x माइनस वाई दिया है, कितना दिया है 29 दिया है, ठीक है। आपको क्या पता करना है बेटा, रेसिप्रोकल पूछा है ना, वन अपान एक्स और वन अपान वाई अगर नंबर हैं तो इनका डिफरेंस वो पूछ रहा है ना, यही करना है ना, वन अपान एक्स माइनस वन अपान वाई, ठीक है, वन अपान एक्स माइनस वन अपान वाई। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, रेसिप्रोकल जब भी करेंगे ना तो देखो इधर, अगर आप करोगे इसका एलसीएम लोगे, आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते बनता है सभी से, क्या करेंगे एक्स, इसका एलसीएम क्या आएगा, पक्का है, कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे ऐसे कर देंगे एक्स और ये वाई, ये किससे कट रहा है, एक्स से ही कटेगा तो वन, वाई ये किससे कटेगा, वाई से कटेगा तो वन और वन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर सभी को, तो ये ले लो एलसीएम आ जाएगा। अब जब आप एलसीएम ले लोगे बेटा तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वाई, तो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, क्लियर है, तो वाई माइनस एक्स आया, तो यहाँ पर आंसर आएंगे दो। क्या आंसर आ सकते हैं, दो। अगर आप लेते हो एक्स को बड़ा नंबर लोगे क्या, तो उस कंडीशन पे आ जाएगा एक्स माइनस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस कॉमन ले लो तो माइनस एक्स माइनस वाई अपन एक्स वाई, समझ लो मेरी बात, कॉमन मैंने यहाँ से ले लिया बेटा, तो अब माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये देखो माइनस एक्स होगा, और अगर फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा ले रहे हो आप, क्या अगर आपने लार्जर नंबर क्या लिया, ये लिया, क्या लिया एक्स लिया, तो उस कंडीशन पे आंसर ये वाला आएगा। अगर आपने ये नंबर दिया तो उस कंडीशन पे वाई माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने क्या लिखा है एक्स माइनस वाई, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 29 अपान एक्स वाई वाई 93 है ना। लेकिन अगर लार्जर नंबर आपने क्या लिया, वाई लिया, तो इसको आप क्या लिखोगे, वाई माइनस एक्स लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो उस कंडीशन पे आंसर क्या आ जाएगा, 29 अपान 93, समझ में आ रहा। तो आप ध्यान रखना हमेशा, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना, नेगेटिव में मत करना, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही लेना। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा x माइनस वाई, इसको क्या लिखोगे आप, y माइनस एक्स, तो ये लिखोगे आप, ठीक है, इसको भाग पर है ना, और इसको क्या बोलते हैं, शेष फल, यही बोलते हैं ना, क्लियर है सभी को। तो इंग्लिश वाले समझ लो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं आप डिवाइजर, क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। समझ में आ रहा बेटा? तो ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे आप? कोसेंट। तो इसको सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है? डिविडेंड, इसको क्यू, इसको डिवाइजर, ठीक है, ठीक है, ये डिविडेंड है ना, और ये आपका आ जाएगा आर। आपको इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन देगा बेटा, कि कभी डिविडेंड दे देगा तो ये बताएगा कि इतना रिमाइंडर हुआ, कभी कोसेंट के साथ क्या करना है, तो ये आपको बार बार देता है। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी जो आपका डिवीजन है वो सही है कि गलत है, तो आप क्या करते हो? वेरीफाई करते हैं अपन। तो जो आपका डिविडेंड होता है ना, मतलब कि जो आपका भाजक होता है, तो डिविडेंड क्या करते हैं बेटा, क्या होता है फार्मूला? ये इंटू ये, यही करते हो ना, इंटू क्यू प्लस आर। अगर ये इसके बराबर होगा तो इसका मतलब है कि आपने जो डिवीजन किया वो क्या है? सही है। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 1525, इसको आपको डिवाइड करना है 25 से, किससे? 25 से, ठीक है, तो 25 से यदि आप इसको डिवाइड कर दो, 63 आया, ठीक है। फिर डिविडेंड कितना है? डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ है? 1525 है ना। और डिवाइजर कितना? डिवाइजर को मैं छोटा डी ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, और डिविडेंड को कैपिटल डी। तो डिवाइजर कितना दिया है बेटा? 24 है ना। रिमाइंडर कितना बचा? 30, 13 है ना, यही है ना। अब एक बार अपन चेक करते हैं, समझो अभी, क्योंकि इसके बाद ही पहला क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, है ना। तो अभी ये बहुत इजी है, ये सब कर लेंगे, है ना, ये दूसरी तीसरी की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसको समझो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपन क्या करते हैं, क्यू, क्या फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? क्यू इंटू स्मॉल डी प्लस आर, है ना, स्मॉल डी मतलब डिवाइजर। तो करो बेटा, 63 इंटू स्मॉल डी कितना होगा? 24 प्लस आर कितना है? 13। मल्टीप्लाई करो इन दोनों, कितना हो रहा मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई कितना होगा? इसका मतलब आंसर क्या है? सही है, ठीक है। बस यही प्रोसेस पूरे इस क्वेश्चन में करना है, जितने भी इसमें आएंगे सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो पहला क्वेश्चन करो आप। तो 1265 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, 1265 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड गिव्स कोसेंट 84, गिव्स कोसेंट 84 एंड रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5, फाइंड द डिवाइजर। अब लिखो, 1265 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर उसका भागफल 84 आता है, उसका भागफल 84 आता है और शेष फल 5 आता है, तो डिवाइजर क्या होगा? शेष फल 5 आता है तो डिवाइजर क्या होगा? तो अब देखो आप, 1265 ना, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अपन, मान लो स्मॉल डी से डिवाइड कर रहे हैं, वही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? 84 कोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है आपका 5 आ रहा है ना बेटा, देख लो यही आया है, देख लो यही मैंने भी लिखा वहाँ पे, सिंपल था ना। क्या फार्मूला होता है? तो कितना होता है? कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। स्मॉल कैपिटल डी कितना दिया है? 1265 इज इक्वल टू डी, डी कितना है नहीं पता अपने को, यही पता करना है ना, इंटू क्यू कितना दिया बेटा? हाँ ये आवाज़ चाहिए अपने को, आर कितना है? 5, बिल्कुल सही है। अब कितना हो जाएगा? इस 5 को बेटा इधर लाओगे, ट्रांसपोज। अच्छा क्लियर है सभी को, पहले बता दो मुझे, ट्रांसपोज करना सभी को आता है? ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? अगर नहीं आता तो बता देता हूँ मैं एक बार और, इसका मतलब क्या होता है बेटा, समझो एक बार मेरी बात। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, x माइनस वाई प्लस 12 माइनस 84, 80 इज इक्वल टू
जेड माइनस 100 मान लो ये लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, इसके बाद अपन इसमें आ रहे हैं, है ना। कभी भी यदि आपको ये एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये कोई नंबर है क्या? तो ये नंबर नहीं है, ये क्या है? ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्या है ये? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि चर, एक होता है चर राश, एक क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसको आप बार बार चेंज कर सकते हो, उसमें वैल्यू आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो आपको अलग दिख रहे हैं और ये नंबर जो है बेटा वो अलग है। तो कभी भी यदि ऐसा होता है तो इनको एक साइड करते हैं। तो अपन एक साइड वो करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो। क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो, क्योंकि अपन नेगेटिव से बचना चाहते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अब देखो, यहाँ पे अपने को इनका मेन देखना है प्लस माइनस, इनका इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड है, अगर ये इधर आएगा तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और अगर उधर इन दोनों को ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस 100 प्लस 80 और माइनस 12, इससे बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, अगर आप इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? अब इसको इधर ला रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा? जेड प्लस वाई कर सकते हैं, बोलते जाओ, एक्स माइनस होगा माइनस एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? पॉजिटिव है, इज इक्वल टू लगा दो। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अपन वेरिएबल को एक साइड कर दिए, नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इसको इनको इधर लाए तो ये इसको क्या करोगे? इधर लाओगे तो क्या होगा? ये जो पहले लिखा आपका 12 प्लस में है, प्लस में रहने दो, ये माइनस 80 माइनस 80, फिर ये माइनस तो प्लस। अब आप क्या देख रहे हो बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको क्या मिल रही है? प्लस की मिल रही है, समझ में आ रहा? बिल्कुल गलत नहीं है। जो बंदा बोलता है सर मैं ऐसा करूँगा, बिल्कुल कर सकते हो, समझ में आ रहा है, लेकिन अपने को वो चीज़ें करनी है जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, समझ में आ रहा। हमेशा वो मेथड चूज करते हैं जो आप आसानी से करो और उसमें गलती ना हो। इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि माइनस प्लस बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से सिंपल सी बात है, अब अपन क्या करेंगे, 1265 है, ये 5 एक ही दिख रहा है ना वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ तो आपको क्या है, डी के मल्टीप्लाई है। तो ये करोगे तो 1265 माइनस 5। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, गलत नहीं है, सही है, लेकिन मत करना क्योंकि उसमें माइनस बहुत ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा ये डी इंटू 84, कितना हो गया 1260 डी इंटू 84। तो डी की वैल्यू क्या करोगे, अब देखो क्या करते हैं, इस पर डिवाइड वन कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड वन। तो क्या करेंगे, 84 का मल्टीप्लाई यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा डी इजल टू कितना हो जाएगा 1260 डिवाइड 84, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है। 1708 में कौन सी छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाए, हाँ सब्ट्रैक्ट मतलब घटाया जाए, कौन सी छोटी संख्या को घटाया जाए कि वह संख्या 13 से पूर्णतः डिवाइड हो, 13 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो 1708 को बेटा क्या करना है, किस छोटी छोटी संख्या से सब्ट्रैक्ट करना है कि वह 13 से टोटली डिविजिबल हो। 1708 में उसने ये पूछा है कि ये जो 1708 है इसमें से क्या, कौन सी छोटी संख्या हो सब्ट्रैक्ट कर दें कि वह 13 से क्या हो बेटा, पूरी तरह से डिवाइड हो। डिवाइड होने का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो, यही होगा ना। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से टोटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको आप करो, 13 1 13 4 जीरो आ गया ना, फिर कितना, 3 times 39 1 आया, 8 आया, 13 1 13 कितना आया बेटा, 5। अगर ये 5 रिमाइंडर नहीं होता उस कंडीशन पे, ये पूरी तरह से क्या होता, डिविजिबल होता। तो उसने क्या बोला है, कौन सी संख्या को घटाया जाए, यही बोला है ना। तो क्या घटा दो, 5 को, मतलब कि अगर 1708 है इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1703, और अगर 1703 है तो वो क्या होगी, 13 से टोटली डिविजिबल होगी, क्या होगी,
टोटली डिविजिबल होगी हो, इसको आप देख लो करना हो तो, करके दिखाऊं मैं इसको। 1703 देखो इधर, तो कितना हो जाएगा ये 13 एकम, ये आ गया 4 0 3 39 1, ये 3 आया और ये 1 आया, आ गया। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है रिमाइंडर, 0। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्लियर हो गई बेटा कि वो छोटी से छोटी संख्या घटाना है। अभी क्या घटाना है, अब वो पूछ भी सकता है कि वो संख्या क्या होगी। दो क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, क्या बनेंगे? पहला वो बोलेगा कि वो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो क्या अपन सब ट्रैक करेंगे, 5। अब अगर वो पूछ दे कि वो संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, ध्यान समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, या तो पूछेगा किस नंबर को सब ट्रैक किया जाए, या वो बोलेगा कि वो नंबर क्या होगा, तो आपको सब ट्रैक करके बताना। यदि कोई नंबर 42 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यदि कोई नंबर 42 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो 42 से कम कौन सी संख्या होगी जो उसी नंबर को पूर्णतः डिवाइड करेगी। 42 मतलब 42, इंग्लिश में बोल देता हूँ पहले, हिंदी वाले लिख लिए, इंग्लिश में लिख लो। अ नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 42, अ नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 42, वॉट नंबर्स बिलो देन 42 विल डिवाइड दैट नंबर ऑल्सो।